हमने जो कल केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, तो मैंने आपको ये सिखा दिया था कि अगर किसी रिएक्टेंट के स्पीसीज का अगर हमें रेट डिफाइन करना होता है, हमें स्टोइकोमेट्रिक कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर वही मैं रेट ऑफ रिएक्शन की डिफाइन करूँ तो उसे मुझे पूरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा आपके लिए अच्छा भी होगा। 2a plus 3b tends to 5c, 2a plus 3b tends to 5c, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ what is the meaning of minus, चलो ये मैं आपको क्वेश्चन ओरली करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको लिख लेना कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस डीए बाय डीटी, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस डीए बाय डीटी, तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या भैया, माइनस डीए बाय डीटी का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए या रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब आपने रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया बट विद रिस्पेक्ट टू ए डिफाइन किया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोलो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ बी, सिंपल माइनस डीबी बाय डीटी, क्योंकि यहाँ पे क्या डीबी क्या मेरा रिएक्टेंट है। अगर मैं बोलूँ हाउ रेट ए एंड बी आर रिलेटेड विद ईच अदर, रेट ए और बी का रिलेशन में आपस में क्या होगा, तो 1/2 माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी बी बाई डी टी, तो मैं ये दोनों के रेट को क्या कर सकता हूँ, कोरिलेट कर सकता हूँ, राइट। और अगर मैं बात करूं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आपको क्या बताना है कि what will be the effect on rate of reaction और minus dA, dA by dt या minus dB by dt पे क्या effect पड़ेगा, तीन part है इस question में सुनना, what will be the effect on rate of reaction पहला ये बताना, दूसरा ये बताना minus dA by dt पे क्या फर्क पड़ेगा और minus dB by dt पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं इस पूरे रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन चेंज कर दो। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, पहला आप क्वेश्चन यह है कि अगर मैंने इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन चेंज कर दिया तो आपको बताना रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, डीए बाय डीटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डीबी बाय डीटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, जो जिसके जिसने कल का लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा उसको यह ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि भैया डीए बाय डीटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट डिफाइन करने के लिए हमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है, लाइक आई मीन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये पर्टिकुलर स्पीसीज का रेट है डीए बाय डीटी डीबी बाय डीटी, इसके मतलब इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड वाले थिंग रेट ऑफ रिएक्शन पे जरूर फर्क पड़ेगा क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेट, इसकी बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेट, आखिर डिफरेंट टाइप रेट के भी दो तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें यहाँ मेरा एवरेज रेट, क्या एवरेज रेट, एवरेज रेट मतलब एवरेज रेट का मतलब ये कि बहुत ज्यादा फाइनाइट टाइम इंटरवल के बीच में अगर मुझे रेट निकालना होगा, बहुत टाइम गैप के बीच में अगर मुझे रेट निकालना होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ से महाड़ जाना है तो मैं बोलूँगा व्हाट विल बी योर एवरेज स्पीड, तो हो सकता है आप किसी पॉइंट पे ज्यादा स्पीड में जा रहे हो, किसी पॉइंट पे कम स्पीड में जा रहे हो, लेकिन आप ओवरऑल क्या बोलेंगे भैया 50 टू 60 के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं महाड़ ट्रैवलिंग करता हूं, बट यू आर टेलिंग दैट एवरेज स्पीड, राइट। तो एवरेज स्पीड हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए वैलिड होता है। ठीक है, हम लिख लेता हूं रेट मेजर्ड ओवर, रेट मेजर्ड, रेट मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट टाइम, ओवर अ finite time interval, knowing the concentration of substance at two different time। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन एट t2 माइनस कंसंट्रेशन एट t1 बाय t2 माइनस t1, ये इसका क्या होता है
फॉर्मूला होता है। अगर आप ग्राफिक एक क्वेश्चन में इसको ग्राफिकली समझाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला कंसंट्रेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से, ग्राफ किसके बीच में है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, तो मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, हाँ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। 50 मोलर पर मोल पर लीटर में कितने पे था, 10 पे था, और 10 पे कितना था, 50। आफ्टर 50 50 मिनट्स आफ्टर 50 सॉरी आफ्टर 50 मिनट्स ये कितना हो गया, 20 लेते चलो, आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स ये टाइम मिनट में दिया हुआ है मुझे, और कंसंट्रेशन मुझे मोल पर लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुछ नहीं करना, एयर बराबर क्या कर देना, टी टू पे कंसंट्रेशन पे कितना था, टी टू कंसंट्रेशन पे था मेरा 10 था, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 10 पे कंसंट्रेशन है टी टू, मतलब ये हो जाएगा कैलकुलेट। हाँ देखो अब यहाँ पे बात यहाँ पे है ना, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ मैंने, किसका दिया हुआ मैंने, रिएक्टेंट का, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना, अगर ऑटोमेटिकली साइन माइनस डेवलप हो जाए तो रिएक्टेंट में आप ये समझ लेना। अगर ये देखो कंसंट्रेशन है टी टू मेरा कितना है, 10 है, माइनस टी वन कितना है, 50 है, डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि टाइम का डिफरेंस कितना, 20 माइनस 10 10 होगा। मैंने माइनस ऑटोमेटिकली इसलिए लगाया क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन का रेट क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन जो हो रहा है मेरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम घट रहा है, इसका मतलब ये सिंपल सी भाषा में समझाओ कि ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही समय के अनुसार क्या होता है, घटता है, लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के अनुसार क्या होता है, बढ़ता है। तो आप यहां से चेक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली मैंने माइनस लगाया तो यहां पे कितना होगा, 4 मोलर मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। यहां पे आपको बात समझ में आया, तो दिस इज योर नथिंग बट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है ये, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बात करो नेक्स्ट थिंग जो है मेरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सेकंड जो है मेरा सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आपको नाम से समझ में एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो दिस इज फॉल्स रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक्जेक्टली एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नहीं बताता है, ये तो भैया एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए, बट मैं बोलूं पर्टिकुलर टाइम पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो उसका एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन होता है। आई बात समझ में, तो मैं लिखता था रेट मेजर्ड ओवर अ, रेट मेजर्ड ओवर अ, रेट मेजर्ड ओवर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट, बाय ऑब्टेन्ड ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट टाइम, एट that time in given graph, in given graph। तो आई बात समझ में आपको, एक ग्राफ का जो भी उसका टेंजेंट होगा या बेसिकली आप किसी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमेशा क्या डिनोट करता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ये एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बताता है। आई बात समझ में, इससे मुझे एग्जैक्ट स्पीड पता चलती है किसी रिएक्शन की, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट को मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस डीसी बाय डीटी, प्लस माइनस डीसी बाय डीटी, यानी मतलब नथिंग बट स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर मैं इसको समझाऊं, ठीक है, सपोज करो मान लो कुछ ऐसा कर्व है मेरा, ऐसा कर्व है, ठीक है,
10, 20, 30, 40, चलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 समथिंग डॉट 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 आगे बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। बोला कैलकुलेट, क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट t इक्वल टू 20। चलो ये टाइम सेकंड में दिया हुआ है और ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में ये क्वेश्चन है मेरा। आपको t इक्वल टू 20 सेकंड से बताना है, तो लेट इट वे मैं एक मैं टेंजेंट भी ड्रॉ कर देता हूं आपको, हालांकि ये जाएगा नहीं। चलो t इक्वल टू 20 नहीं, 30 बेटर है, बेटर है। t इक्वल टू 30 पे मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ का स्लोप बताना है, क्या बताना। अब देखो ये जब हालांकि ये मैंने आपको दिया हुआ, ये क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया जाएगा कि जो स्लोप है कहां से कहां उसका एंड पॉइंटर कहां से कहां उसका ये है, ठीक है। तो बात को समझो आप थोड़ा, ठीक है। हाँ तो आपको स्लोप का ग्राफ आपको पता ही है, स्लोप कहां से कहां ड्रॉ किया जा रहा है, 7 से 70 तक, मतलब 1/10। तो दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसका टेंजेंट है, तो यही टेंजेंट इसका क्या देगा मुझे, दिस टेंजेंट विल गिव द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनिशियल रेट का मतलब ही ये है कि एट t इक्वल टू 0 पे जो मेरा रेट होता है वही मेरा क्या होता है इनिशियल रेट। तो मैं लिख देता हूं रेट एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, रेट एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मतलब dc/dt अगर है लेकिन t इक्वल टू 0 पे वही मेरे लिए क्या होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम बोलेंगे, सॉरी नॉट इंस्टेंटेनियस, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। आई बात समझ में, कोई डाउट यहां तक, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर हम इसी पर बेस्ड एक तो एवरेज मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस मतलब मेरा जल्दी रिपीट करो किसके लिए, एट अ पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है भाई। t इक्वल टू 20 पे कितना होगा, t इक्वल टू 30 पे क्या होगा, तो आप देख रहे हो रेट समय के साथ क्या हो रहा है चेंज होते जा रहा है, बट वो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन के ऊपर, हमेशा रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आगे मैं आपको सिखाने वाला, आज हमें ये सब सीखा आखिर रेट कंसंट्रेशन पे कैसे और किस तरीके से डिपेंड करता है, यही हमारा मेन टॉपिक है, देखो ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम एज फॉलोज, एज फॉलो। देखो क्वेश्चन में भी बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हमेशा टाइम के साथ क्या होता है डिक्रीज होता ही होता है, ठीक है। तो c इक्वल टू कितना दिया हुआ, 5 + 30t - 5t², ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, कैलकुलेट इनिशियल रेट, कैलकुलेट इनिशियल रेट, इनिशियल रेट एट एंड रेट एट t इक्वल टू एंड रेट एट t इक्वल टू 2 सेकंड। देखो इनिशियल रेट मतलब t इक्वल टू 0 पे आप पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया, t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, और रेट एट t इक्वल टू 2 मतलब दैट्स नॉट अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, यहां पे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो कुछ नहीं कर रहा हूं, dc/dt डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 30 - 10t हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा dc/dt, अगर मैं t इक्वल टू 0 पूछूं तो ये मेरा इनिशियल रेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, t पुट 0 पुट कर दिया तो 10 × 0 30 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर dc/dt अगर मैं t इक्वल टू 2 पे पूछूं तो ये कितना हो जाएगा 30 - 10 × 2, तो दैट्स नथिंग बट
10, ठीक है? तो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, ठीक है? एक जेई में क्वेश्चन आया था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था उस समय. ट्वाइस ऑफ NH3 ये मान लो दिया हुआ रिएक्शन, ठीक है? इफ रेट ऑफ अमोनिया इज, इफ रेट ऑफ अमोनिया इज 1.7 kg per hour for the given reaction, then calculate rate of reaction ROR of H2 in gram per minute, ठीक है? इन ग्राम पर मिनट, देखो रेट ऑफ अमोनिया आपको दिया हुआ है और आपको रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 पूछा है ग्राम पर मिनट में, ठीक है? है तो दिखने में आसान, बट इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो. इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो आपको उसने क्या दिया हुआ, मतलब रेट ऑफ अमोनिया का मतलब उसने क्या दिया, प्लस डी ऑफ NH3 बाय DT का वैल्यू दिया हुआ 1.7 केजी पर आवर, 1.7 केजी पर आवर ये दिया हुआ है, मतलब 1 + 1/2 डी एफ डी ऑफ NH3 बाय DT की वैल्यू नहीं दी उसने, सिर्फ डी NH3 बाय DT की वैल्यू दी है, बराबर? इसीलिए सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया ये इतना दिया हुआ है, ठीक है? हम रिएक्शन का वैल्यू क्या लिखते हैं, माइनस डी ऑफ N2 बाय DT इज इक्वल टू क्या होगा, -1/3 डी ऑफ H2 बाय DT और इज नथिंग इक्वल टू +1/2 डी ऑफ NH3 बाय DT, ठीक है? देखो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, तो बात इस दोनों चीज को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं हम इसको भी. ठीक है, देखो उसने दिया हुआ है तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 इधर ले जाऊं तो 3 इधर ले जाऊं, मतलब डी ऑफ एच टू निकालना है ना, तो डी ऑफ एच टू बाई डी टी मतलब क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 डी ऑफ NH3 बाय DT, ठीक है? अब 3/2 इंटू 1.7 केजी है तो इसको 10^3 कर दूंगा, आवर को मैं मिनट में कर दूंगा 60. अगर आपने ऐसा किया है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है. क्यों गलत है बेटा, समझो बात को. देखो यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है. यूनिट क्या होती है रेट की, मोल पर लीटर पर सेकंड. इसका मतलब आप जब दो इक्वेशन को इक्वेट करते हो तो मोल पर लीटर पर सेकंड में ही आपको इक्वेट करना पड़ेगा. इसका मतलब आपको यहाँ पे पहले इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में. तो अगर मैंने इसको 17 से डिवाइड किया तो ये आंसर मेरा क्या आ सकता है, सही हो सकता. अगर आपने 17 से डिवाइड किया तब आपका सही आंसर 3/2 तो 0.1 इंटू 10^3 इंटू 60 तो इसका आंसर जो होगा बता देना, ग्राम पर मिनट में आपका आंसर. हाँ लेकिन ये अभी क्या है, मोल पर मिनट में, ठीक है? आपको निकालना आंसर कितने में, ग्राम पर मिनट में, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं दिस और दिस कैंसिल तो ये 2 हो जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा 10 तो 30 बाय 12 मोल पर लीटर. देखो वॉल्यूम सेम है तो लीटर को मैं काउंट नहीं कर रहा, ठीक है? क्योंकि देखो ये पूरा एक ही कंटेनर हो रहा है ना पूरा रिएक्शन, तो आप वॉल्यूम काउंट नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीटर तो आपको एक ही लेना है. इसलिए आपका मेन इक्वेशन किस में होना चाहिए, मोल पर मिनट में. लेकिन आपको उसने किसमें पूछा, ग्राम पर मिनट में, तो इसका मतलब डी ऑफ एच टू बाई डी टी जो होगा आपका ये होगा 30/12 इंटू मोल को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ये आपका ग्राम पर मिनट में आंसर आ चुका है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो दैट इज नथिंग बट 5 ग्राम पर मिनट. अगर कंफ्यूजन हो रहा है बेटा फिर से मैं समझा दे रहा हूं. देखो
हम ये जो इक्वेशन इक्वेट करते हैं जब रेट ऑफ रिएक्शन का, आप ये दिस इक्वेशन इज फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, तो रेट ऑफ रिएक्शन के जब भी आप इक्वेशन इक्वेट करोगे इसका मतलब ये होगा कि आप दो 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 स्पीशीज के रेट को आप इक्वेट तभी कर सकते हो जब उनका यूनिट क्या होना चाहिए, मोल पर मिनट में होना चाहिए, मोल पर लीटर पर मिनट में, दैट उसका मीनिंग एक ही है क्योंकि पूरा कंटेनर में एक ही कंटेनर में होता है तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम है, तो वॉल्यूम का टर्न दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप मोल पर मिनट में इक्वेट करते हो। उसने दिया था केजी पर आवर में, तो केजी पर आवर से मैंने उसको किस में कन्वर्ट किया, ग्राम पर मिनट में, लेकिन तब भी आप इसको निकाल नहीं सकते थे क्योंकि आपको इक्वेट किससे करना है, मोल पर मिनट से, तो ग्राम को मैंने कन्वर्ट किया मोल में, तो मोलर मास से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17, तो यहां से मुझे 0.1 मोल पर मिनट में आया आंसर, और उसको बाद में जो फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि देखो ये जो आंसर आया आपको वो मोल पर मिनट है H2 का, उसने मुझसे पूछा ग्राम पर मिनट में, तो कुछ नहीं मिनट उसे मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सर ठीक है, इफ ए टेंड्स टू बी, ठीक है, लॉग लॉग ऑफ माइनस dA / dt is equal to minus dA / dt is equal to log of plus dB / dt plus 1, ठीक है, कैलकुलेट मोलर रेशियो ऑफ, कैलकुलेट मोलर रेशियो ऑफ, कैलकुलेट मोलर रेशियो ऑफ A and B, कैलकुलेट मोलर रेशियो ऑफ A and B इन द रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है, इन द रिएक्शन मोलर रेशियो ऑफ ए और बी बताना है आपको। ठीक है, उसने ये जो रेट रेट ऑफ रिएक्शन जो दिया हुआ उसका इक्वेशन उसने इस तरीके से दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताना, देखो यहाँ पे स्टोइकोमेट्री डिवाइड नहीं किया उसने डायरेक्टली, तो आपको खुद बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लो लॉग ऑफ, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री नहीं दिया लेकिन आपको बताना होगा कि यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्री होगा उसी के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन बना होगा। अब आपको इस, आपका टारगेट क्या होगा, इस इक्वेशन से लॉग को हटाना, लॉग हटाओ क्योंकि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन में लॉग नहीं आता, मतलब लॉग कुछ ना कुछ किस तरीके से हटेगा, हम देख लेते हैं कैसे हटेगा। तो लॉग ऑफ माइनस dA / dt, लॉग ऑफ माइनस dA / dt, लॉग ऑफ प्लस dB / dt, क्या लॉग 1 को मैं लिख सकता हूं लॉग 10, ये देखो नीट वाले क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि नीट वालों के लिए ऐसा क्वेश्चन है, बट जेईई वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं क्या इसको लिख सकता हूं, लॉग a प्लस लॉग b को लॉग a इनटू b भी लिख सकता हूं, तो tan इनटू प्लस dB / dt लिख सकता हूं मैं a इनटू b, और यहां पे भी क्या होगा लॉग माइनस dA / dt, तो ये लॉग और ये लॉग एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो tan इधर आ जाएगा, तो 1 / tan dA / dt is equal to क्या होगा dB / dt, मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट इक्वेशन, tan a टेंड्स टू b, ये इसका मोलर, मतलब व्हाट इज द मोलर रेशियो, tan is to 1 का मोलर रेशियो है या tan a टेंड्स टू b, तो इस तरीके से भी कभी-कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बस कभी ऐसा दिया जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ लॉग में कर दिया तो ट्राई करिए लॉग को हटाने का, कुछ ना कुछ एग्जैक्ट एक वैल्यू आपको कांस्टेंट दे के जाएगा और जो कांस्टेंट या जो वैल्यू वो दे के जाएगा वही आपका मोल रेशियो होता है। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर होगी। देखो अब ये तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब चीजें हमने सीख ली है। ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में दो तीन बातें तो आप पहले ही जान गए हो कि फैक्टर कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रेशर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये सब चीजें हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी भी पढ़ते दोबारा। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, पहला फैक्टर जो होता है बेटा वो होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आखिर आप ऐसा नहीं कि नेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है मेरा कि आखिर किस नेचर का मेरा रिएक्टेंट और किस नेचर का प्रोडक्ट है, तो पहला जो फैक्टर रहेगा मेरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड क्या होता है मेरा, सेकंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो मेनली जो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पूरा 80% टॉपिक आपका, 80% टॉपिक आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही घूमता है, मतलब आपके रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बोला था यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? आपको याद होगा कि सॉल्यूशन जब मैंने आपको पढ़ा था तो आपको मैंने ये बताया था कि वेपर प्रेशर, अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका मतलब सॉल्यूशन उसका टॉपिक ही क्लियर है। वैसे ही अगर जिस बच्चे को ये पता है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, इसका मतलब पूरा केमिकल काइनेटिक्स उसका उसके उंगलियों पे नाचेगा। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया फिर कैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, कंसंट्रेशन बोलूं या प्रेशर बोलूं एज वेल एज वॉल्यूम बोले इसका मतलब तो एक ही है। क्यों? क्योंकि देखो कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब अगर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है इसका मतलब ये वॉल्यूम हाफ करने से भी तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो, क्यों? क्योंकि दोनों का रिलेशन तो एक ही है। और प्रेशर की बात करो तो प्रेशर का टर्म भी इसी पे आ जाएगा। पूछो कैसे भैया, प्रेशर चेंज, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीआरटी, तो जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट होगा रेट के ऊपर वही प्रेशर का भी इफेक्ट होगा रेट के ऊपर। तो एक ही बात अगर आपको ये क्लियर हो तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इससे से रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो इफेक्ट आता है वो मेरा आता है टेम्परेचर। किसका आता है? टेम्परेचर। चौथा जो इफेक्ट आता है कैटलिस्ट, वो तो सभी को पता है कि आपने कैटलिस्ट डालने से क्या रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा भी होता है, बट क्या आपको ये पता है कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन घट भी जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो है मेरा वो है इफेक्ट ऑफ सनलाइट। क्या है? इफेक्ट ऑफ सनलाइट। कभी कभी कोई रिएक्शन क्या होता है यूवी रेडिएशन से क्या हो जाता है, यूवी रेडिएशन से बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, सिक्स पॉइंट है पीएच ऑफ द मीडियम, पीएच ऑफ द मीडियम, पीएच ऑफ मीडियम, ये किसके लिए? स्पेशली फॉर एसिड बेस रिएक्शन, स्पेशली फॉर एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन के लिए स्पेशली होता है। सेवन जो पॉइंट है मेरा वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन में मैग्नेटिक ये फील्ड कैसे जनरेट करते हो? देखो अगर आपका स्पीसीज आयनिक स्पीसीज है, आयनिक भी अपने बोल सकते हैं पोलर स्पीसीज है, अगर आपके पास क्या है पोलर स्पीसीज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत काफी चेंजेस होते हैं, बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, हालांकि हमें इन तीनों को सिर्फ याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट डालते हैं, पीएच के बढ़ने घटने से भी रेट ऑफ रिएक्शन पे काफी चेंजेस होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि ये सनलाइट डालने से बहुत सारे रिएक्शन फास्ट भी हो जाते हैं। ये सिर्फ तीन की जानकारी रखिएगा, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ जाता है बट हमें जो मेन पढ़ना है वो ऊपर के चार टॉपिक, चार जो मेरे है ना, नेचर ऑफ रिएक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, आखिरी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करते हैं। अब ये पूरे चार टॉप, ये चार जो फैक्टर, इन्हीं पे पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट बताऊंगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तीन चार दिन हमें सिर्फ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे ही जाएगा, फिर लास्ट के जो दो लास्ट का जो टॉपिक बचेगा अपना वो टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जाता है उस पे हमें फिर पूरे डिस्कशन करनी है। मतलब यही चार पॉइंट में पूरा केमिकल काइनेटिक्स आपको क्या हो चुका, खत्म हो चुका। आई बस हमें पहला दो पॉइंट जिसको क्लियर हो चुका है टेम्परेचर कैटलिस्ट ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, बट जिसका मेनली इंपॉर्टेंट क्या है सेकंड पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर ये पॉइंट जिसको क्लियर है आखिर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब पूरा केमिकल काइनेटिक्स उसका इजी है फिर समझ में। तो चलो डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन पॉइंट वन। पॉइंट वन है मेरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, आगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कैसे डिपेंड करता है। तो पहला आता है मेरा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आगे कैसे फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, सर आपने क्यों लिखा फिजिकल स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है? तो अगर मैं जैसे बात बोलूं, अगर मैंने एक कंटेनर में गैसेस रिएक्शन कराया, एक कंटेनर में मैंने लिक्विड करी है, लिक्विड लिक्विड का रिएक्शन करा, एक कंटेनर में मैंने सिर्फ सॉलिड सॉलिड रिएक्टेंट लिया, तो ऑब्वियस बात है आप बोलोगे भैया सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा जल्दी से? ऑब्वियस बात है गैसियस रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपको ऑलरेडी मैंने गैसियस स्टेट में बताया कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जितना जल्दी से वो कोलाइड करेंगे उतना जल्दी से बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड ब्रेक होगा, बट लिक्विड में थोड़ा टाइम लगेगा बट सॉलिड में तो और ज्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियस बात है
रेट ऑफ रिएक्शन के केस में अब मैं बोल सकता हूं कि गैसियस का सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का और फिर सॉलिड का। इसका मतलब होमोजीनियस और हेटरोजीनियस में भी किसका ज्यादा होगा? होमोजीनियस का सबसे ज्यादा होता है हेटरोजीनियस में, ठीक है। और सबसे ज्यादा रेट मैक्सिमम किसका होता है? होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। हमें इसी के बारे में पढ़ना रहता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन ही पढ़ा था, याद है? डेल्टा एनजी वाला, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, वो हमने किस में पढ़ा था? होमोजीनियस। बेसिकली आपको सिलेबस में तो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन ही पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स भी इसी टॉपिक इसी पे घूमता है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी इसी पे घूमता है, थर्मोडायनेमिक्स भी इसी टॉपिक्स पे घूमता है, एचजीआर पे घूमता है। बताओ, आप मुझे बता दो कहीं पे कि मैंने लिक्विड वगैरह लिया तो लिक्विड और सॉलिड का पार्ट देखो बहुत छोटा सा था, बट वो पूरा थर्मोडायनेमिक्स का जो केस 1 मैंने बताया था, पूरा केस 1 हमारा गैसेस रिएक्शन पे ही डील होता है, एडियाबेटिक आइसोथर्मल। तो अगर जिस बच्चे को एचजीआर का सारा कांसेप्ट क्लियर है तो फर्दर अगर हायर स्टडीज में लिक्विड और सॉलिड पढ़ाया जाता है कि आखिर कैसे, वो डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग उस जगह पे, तो वहाँ पे आप सॉलिड और लिक्विड इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपका एचजीआर का कॉन्सेप्ट हर चीज क्लियर होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड और केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। तो मेरा पूरा टॉपिक हमारा एचजीआर के ऊपर ही घूमने वाला है, पूरा केमिकल काइनेटिक्स इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। चलो, तो सबसे ज्यादा रेट मैक्सिमम किसका होगा? एचजीआर। और ऐसा नहीं है ये इनके कंपैरिजन में है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार होमोजीनियस गैसेस रिएक्शन है तो क्या उसका रेट घट बढ़ नहीं सकता? बिल्कुल घट बढ़ सकता है। तो दैट डिपेंड्स सिचुएशन पे, वो क्या सिचुएशन होता है? कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट पे, ठीक है। ये पहला पॉइंट था फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट की गैसेस का सबसे ज्यादा होता है, उसमें भी अगर होमोजीनियस और हेटरोजीनियस है तो इसमें होमोजीनियस का ज्यादा रेट होगा, और अगर उसमें भी गैसियस रिएक्शन है तो वो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ तो बात क्लियर होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है सरफेस एरिया, मुझे एक बात बताओ, आपको सबको पता है अगर डिस्प्रिंग की गोली मैंने अगर डायरेक्ट पानी में डाल दी तो जल्दी से वो डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन उसे डिस्प्रिंग के मैंने टुकड़े कर दिए तो कितना जल्दी डिसॉल्व हो जाता है? क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को तोड़ते हो तो दो नए सरफेस जनरेट होते हैं, और तोड़ोगे और सरफेस जनरेट होगा, और तोड़ोगे तो और सरफेस जनरेट होता है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा जनरेट होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है। आई बात समझ में? तो मैं लिख देता हूं, ऑन ब्रेकिंग द सरफेस into smaller pieces, a new surface is generated, and rate of reaction also, and due to which rate of reaction also increases. Rate of reaction क्या हो जाएगा? जितना ज़्यादा surface होगा उतना ज़्यादा rate of reaction क्या होगा? जल्दी होगा, ठीक है। इसमें तीसरा point आता है chemical nature of reactant and product. Chemical nature of reactant and product. आखिर इन पे rate of reaction कैसे depend है? देखो ये पूरा point, ये जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट, इसमें कुछ न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे नहीं। तो पहला पॉइंट समझ में आया, गैसियस रहेगा तो सबसे ज्यादा रहेगा, उसमें भी होमोजीनियस रहेगा तो सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर होमोजीनियस वगैरह बाकी सब बाकी बाद में जानता हूं मैं, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट है सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया टूटेगा, जितना ज्यादा स्मॉलर पीसेस में होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, जस्ट लाइक दिस स्प्रिंग, ठीक है। हां, ये बोल भले बोल सकते हैं सरफेस एरिया का कांसेप्ट लिक्विड और गैस में नहीं एप्लीकेबल होता, बट सॉलिड में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सॉलिड का आप जितना तोड़ोगे उतना जल्दी वो क्या होता है? रिएक्ट फास्ट होता है। तो ये एप्लीकेबल गैसेस और लिक्विड पे नहीं होता, ठीक है। लेकिन हालांकि हम नेचर, क्योंकि मान लो सॉलिड रिएक्टेंट लिया तो ये पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट मैंने नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे ही कवर कर दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है मेरा केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मतलब क्या? अगर मैंने बोला कि आपका रिएक्टेंट मान लो बहुत ज्यादा स्टेबल, हाँ सपोज करो अगर आपका रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्या वो रिएक्शन होगी?
बिल्कुल नहीं होगी भाई, वो स्टेबल है तो क्यों रिएक्ट करेगा, जरूरत ही नहीं है उसको रिएक्ट करने के। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबल है, मान लो अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। बराबर, रिएक्टेंट स्टेबल है तो रिएक्शन होगी नहीं, प्रोडक्ट स्टेबल है तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कहां चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपने ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे किए होंगे कि हाइड्रोजनेशन रेट ऑफ कम, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट, उस टाइप के क्वेश्चन हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसका बेस्ट एग्जांपल आपने एसिडिक बेसिक करेक्टर जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया होगा कि जिसका ऐसे जिसका आयनिक जिसका आयन मतलब कैटायन हो या एनायन जो भी फॉर्म होता है तो वो कैसे हम देखते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, माय मिस्टेक, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब एक बात एक बेस्ट एग्जांपल समझाता, CH3COOH, ठीक है, और HCOOH, ठीक है, ये टूटेगा तो क्या देगा, CH3COOH- और H+, और ये टूटेगा तो क्या देगा, HCOOH- और H+। आपको पता है कि ये आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, और ये आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो अगर मैं सिंपल से बात करूं, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है तो ये इस आयन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब स्टेबिलिटी घटा देगा। इस वजह से इस एसिडिक करेक्टर कम होता है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो अभी से बात ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये भी यहाँ से भी हम देखते हैं, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोडक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। आई होप से यहाँ तक सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। देखो, और केमिकल नेचर में दो बातें और हमें ध्यान रखनी है, दो बातें क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन, और दूसरी बात क्या, नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन, नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन। अब बोले सर ये पॉइंट आपने क्यों बोल दिया कि नंबर ऑफ बॉन्ड और नेचर ऑफ बॉन्ड पे कैसे डिपेंड कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात समझे, अगर मान लो मेरे पास ये ब्लू और ये ब्लैक है, इस ब्लू कंटेनर में मैंने बोला कि भैया दो रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6 है, इस ब्लैक वाले कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 है, दो सारे बॉन्ड का नेचर सेम है, सारे बॉन्ड का नेचर सेम है, तो अब मुझे ये बताओ कौन सा रिएक्शन फास्ट। ऑब्वियस सवाल है, चार वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा, चार वाला बॉन्ड क्या होगा, जल्दी टूटेगा और रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा फास्ट होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मैंने बोला, अब मैंने बोला नंबर सेम है, देखो अब मैंने क्या बोला, इन दोनों कंटेनर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम है, लेकिन इस पे यहाँ पे आपको 6 ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने हैं, यहाँ पे 6 डबल बॉन्ड तोड़ने हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, तो ऑब्वियस से बात है जिसका बॉन्ड एनर्जी कम है वो जल्दी टूटेगा और जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड और नेचर ऑफ बॉन्ड पे भी काफी हद तक डिपेंड करता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक याद रखने के तौर पर इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा, वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लिख दो उतना है, उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। मुझे पता है कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैंने किसी रिएक्शन में देखा कि भैया कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 2 times हो रहा है, ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंटली मुझे मिला कि भैया किसी रिएक्शन में मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल मिला। तो अगर मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम हाफ करने से भी सेम चीज, क्या रेट ऑफ रिएक्शन 2 times नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इफेक्ट तो सेम है, इफेक्ट सेम है, कंसंट्रेशन डबल होने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हाफ होना, तो कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन मुझे डबल मिलता है, ये एक अज्यूम कर रहा हूँ, आपको मैं कौन समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा समझाने के लिए मैं आपको पॉइंट बोला कि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो सेम चीज अगर मैं दूसरे वे में बोलूं कि वॉल्यूम हाफ करने से क्या होगा, ऑब्वियस बात है रेट ऑफ रिएक्शन डबल ही होगा, सेम चीज। अगर मैंने क्या किया, प्रेशर डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम रेट ऑफ रिएक्शन अगेन क्या होगा मेरा, 2 times होगा, क्योंकि पी और सी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पी इक्वल टू सी आर टी, आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया था, तो प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या है मेरे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अब बोलोगे सर ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन अभी तक आपने ये पॉइंट क्लियर ही नहीं किया कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कैसे करता है। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, आप डायरेक्टली देख के बता ही नहीं सकते। कभी किसी रिएक्शन को देख के आप डायरेक्टली बोल ही नहीं सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, बिकॉज इट कैन फाउंड ओनली एंड ओनली थ्रू एक्सपेरिमेंटल। याद रखिएगा, विदाउट एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी आप डायरेक्टली बता ही नहीं सकते कि आखिर आपका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कैसे करता है। और अगर डिपेंड करता भी तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैनर पे डिपेंड करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर एंड थ्रू आउट द एज द रिएक्शन प्रोसेस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो चेंजेस एज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन थ्रू द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस विद द कंसंट्रेशन। कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होते जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन भी थ्रू रिएक्शन प्रोसेस के प्रोग्रेस के सॉरी रिएक्शन प्रोग्रेस की वजह से वो भी चेंज होते जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली कभी ये बोल ही नहीं सकते जो आपका टी इक्वल टू 20 पे रेट ऑफ रिएक्शन था वही रेट ऑफ रिएक्शन टी इक्वल टू 40 पे भी होगा। क्यों? अभी मैंने बताया क्योंकि आपने देखो ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि किसी का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है, किसी का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 है, किसी का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 का मतलब क्या हुआ कि भैया उसका उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 2 पे डिपेंड करता है, मतलब कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ऑर्डर 1 होने का मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन का पावर 1 के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ये 2 1 0 3 ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली देख के आप कभी किसी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते। बार बार मेरी दिमाग ध्यान से दिमाग का ढक्कन खोल के बहुत इंपॉर्टेंट है सुनिएगा, कभी भी रिएक्शन को देख के आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। और अगर आपको ऑर्डर पता है मतलब पूरा खेल ही खत्म है, क्योंकि आधा क्योंकि 80% टॉपिक ही आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। और ऑर्डर पता है इसका मतलब आपको पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन आके कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के वजह से कैसे चेंजेस हो रहे हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब है ऑर्डर पता है तो आपको रेट भी पता है कि आके कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। जैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा, तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर पता होने के लिए हम 2-4 एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो मैं सिखाऊंगा आपको कि आखिर निकाला कैसे जाता है। बट फिलहाल के लिए बस डेफिनेशन याद रखिए कि एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैनर के एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैनर में प्रेजेंट होता है, और जो प्रोग्रेस और उसकी जो डिपेंडेंसी होती है रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन के साथ, वो प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के साथ क्या होती है, चेंजेस होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? आई होप सो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आए कि एक तो ऑर्डर आप डायरेक्ट कभी किसी रिएक्शन का देख के नहीं बता सकते, और दूसरी बात ये जो इनके निकालने का तरीके होते हैं वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। आप डायरेक्टली कभी किसी रिएक्शन को ऐसे नहीं निकाल सकते कि भैया दो रिएक्टेंट है तो दो ऑर्डर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा आगे कि आखिर हम कैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं। बट फिलहाल तो ये समझिए कि आखिर रेट ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है, ठीक है? तो मैं आपको लिख देता हूं पहले यहाँ पे नोट बना के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ठीक है? क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। देखो अभी मैं बोल रहा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मैनर पे डिपेंड करता है। वो कॉम्प्लिकेटेड मैनर ही एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वही कॉम्प्लिकेटेड मैनर आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से आप बता सकते हो कि एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे आखिर कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ चेंजेस हो रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको सिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए समझिए कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैनर पे डिपेंड करता है डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर, ठीक है? एंड दिस डिपेंडेंसी आल्सो एंड this dependency also changes with the progress of reaction with the
progress of reaction but in this topic we are going to study the kind of dependency the kind of dependency of rate of rate on concentration of different species. I was saying that rate of reaction is found to be a dependent on concentration in a very complicated manner, and this dependence also changes with the progress of reaction. जो मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे reaction progress होता है, rate of reaction भी क्या हो जाता है, change हो जाता है. But वो rate जैसे change होगा, वो order पे depend करेगा, ठीक है? यही इस पूरे टॉपिक में हमें इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स में टॉपिक में यही हमें पढ़ना है, आखिर कैसे किसी स्पीशीज का रेट किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड मैनर में चेंज होता है. आई बात समझ में, ठीक है? बट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इसी इक्वेशन को फॉलो करता है. क्या? कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर. यही ऑर्डर क्या होता है बेटा, मतलब यही ऑर्डर डिपेंड करेगा कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है. तो यही रेट बराबर क्या होगा, के इनटू कंसंट्रेशन का पावर एन. और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन. दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन. अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है किसी भी रिएक्शन का, इसका मतलब आपको ऑर्डर पता है, क्योंकि आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो ऑर्डर क्या होगा, ठीक है? एंड के इज अ कांस्टेंट. एंड ये के क्या होता है, ये के बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अगर आपको के पता है तो आपको बहुत चीजें पता होती है. कैसे पता होती है, आगे समझा रहा हूं मैं. तो के इज अ कांस्टेंट नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो मैंने आपको याद है पहले क्लास में आपको क्या समझाया था, इसको हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं. तो अगर ये स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है तो ये कांस्टेंट भी क्या होगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है? या इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट. क्या बोल सकते हैं हम इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या सिंपल इसको हम रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं. इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपली रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं. आई बात समझ में. अब इसकी बात करते हैं यूनिट की. डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन सिंपल सा. अगर इसका कंसंट्रेशन वन रखा, मैंने कंसंट्रेशन वन रखा, तो एट द कंसंट्रेशन यूनिटी रेट इज डिफाइंड एज इन एक्सप्रेशन फॉर द सॉरी के इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आर. अगर कंसंट्रेशन वन रखा तो के किसके टर्म्स में डिफाइन होगा, रेट के टर्म्स में डिफाइन होगा. तो वही डेफिनेशन, तो डायरेक्ट मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यूनिट क्या होगा मेरा, और अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो आर बराबर क्या होता है, के कंसंट्रेशन का पावर एन, ऑर्डर हो गया. तो आर को मैं क्या लिख सकता हूं, मोल पर लीटर पर सेकंड इनटू के, और ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का पावर एन. तो डिवाइड कर दो तो ये बराबर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर का पावर एन. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, के बराबर मोल पर लीटर का पावर वन माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है? ये मेरा के का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा. और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों?
अगर आपको के का यूनिट पता है, इसका मतलब आपको ऑर्डर भी तो पता है। अगर आपको के का यूनिट पता है, इसका मतलब आपको ऑर्डर भी पता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में, ऐसे क्वेश्चन भी आए थे एक बार जेई में, जेई में क्वेश्चन क्या था, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, वही समझा रहा हूँ कि अगर आपको यूनिट ऑफ के पता है, अगर आपको के की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है, मतलब वैल्यू के साथ ऑब्वियस बात है k का यूनिट भी देगा, यूनिट पता है इसका मतलब आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता है। कैसे, वही समझ रहा हूं, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 3 × 10⁻³ - 3, 3 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल -2 पर सेकेंड, पर सेकेंड। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक बात को समझो, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं मोल इस यूनिट क्या है, के की यूनिट क्या दिया हुआ है, लीटर स्क्वायर मोल -2 पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। कभी भी के का वैल्यू डिफाइन नहीं करता ऑर्डर, के का यूनिट हमेशा डिफाइन करता ऑर्डर। तो के का यूनिट मेरा लीटर स्क्वायर पर मोल, मोल 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 का पावर -2 और सेकंड इनवर्स। क्या मैं मोल पर लीटर को -2 लिख सकता हूं सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब इसके यूनिट से डिफाइन करो, मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 - n को क्या लिख सकता हूं मैं, -2, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n 3। तो क्या मुझे क्या पता चला, अगर मुझे ये किस ऑर्डर का, ये जो k की वैल्यू होगी, मतलब जो k का यूनिट होगा, किस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का, थर्ड ऑर्डर का है, किसका, थर्ड ऑर्डर। इसका मतलब सिंपल, अगर क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको ऑर्डर दिया जाता है और कभी कभी क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं देगा, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अगर ऑर्डर नहीं दिया तो आपको 110% वो के का यूनिट जरूर देगा, के की वैल्यू देगा, वैल्यू दिया तो ऑब्वियस बात है उसका यूनिट भी मिलेगा, और जहां आपको यूनिट पता है इसका मतलब आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी पता है, ठीक है। चलो ऑर्डर, अब एक थोड़ा बहुत देखते, ऑर्डर मतलब वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन दिया हुआ है और मैंने यूनिट ऑफ के दिया हुआ है, यूनिट ऑफ के, कि किस ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के क्या होता है मेरा, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं n = 0 पुट कर दूं मेरा, तो व्हाट इज द k की यूनिट, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर n = 1 मतलब दिस इज जीरो ऑर्डर और दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, यही दो इंपॉर्टेंट है क्या के लिए। अगर n = 1 है मतलब 1 - 1 = 0, तो सिर्फ सेकंड इनवर्स होगा यूनिट, k का यूनिट क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स, और k का यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर मान लो n = 2 रहा, मतलब ये क्या हुआ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ, तो n = 2 क्या होगा अगेन लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स, क्या होगा सेकंड इनवर्स। अब ऐसा नहीं कि ऑर्डर हमेशा इस फॉर्म हो सकता है, आपका ऑर्डर -1/2 भी हो, फ्रैक्शनल ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, -1/2, 3.5, +4.5, एनी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऑर्डर मेरा इतना है तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, सोचो +1/2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर हाफ सेकेंड, आई बात समझ, सॉरी -1/2 मतलब हो जाएगा +3/2 हो जाएगा, सर माय मिस्टेक, +3/2, तो ये हम क्या हो जाएगा मेरे यूनिट ऑफ के हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट, तो ये भी हम देख लेते हैं आपके रेट और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, इससे आपको बेटर बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो केमिकल काइनेटिक्स में अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है ना, आपका चैप्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलो तो ये पहले बेसिक्स बहुत अच्छे से सीख ले, ठीक है। पहला बेसिक कभी कभी आपको बोर्ड में भी पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट, रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन, पहला तो जो होगा इन दोनों के डेफिनेशन लिख देना, पहला जो डिफरेंस होगा उन दोनों का डेफिनेशन होगा। रेट कांस्टेंट क्या, रेट कांस्टेंट मतलब होता है व्हेन द एनी स्पीशीज हुज कंसंट्रेशन इज यूनिटी, देन के इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेट ओनली, ठीक है।
ठीक है। तो ये मेरा के रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन हुई है, और रेट का डेफिनेशन आपको पता ही है कि चेंजिंग कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं, रेट कहते हैं, ठीक है। सेकंड, रेट चेंजेस विद टाइम, रेट चेंजेस विद टाइम एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। कैसे? क्योंकि आप देखो रेट का एक्सप्रेशन क्या था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का पावर एन, ठीक है। अगर मतलब मान लो कंसंट्रेशन वन एन इक्वल टू वन हुआ तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटते जाए ऑब्वियसली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा घटता है, ये तो एक्सेप्ट करते हो। तो मान लो पहले पहले कंडीशन में 5 था, तो दूसरे कंडीशन थोड़े समय के बाद 2.5 हो जाएगा, थोड़े समय के बाद मान लो 0 हो जाएगा, इस तरीके से रेट घट रहा है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटते जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी घटते जाएगा। अगर मान लो एन इक्वल टू 0 है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो चुका है, 1। इसका मतलब जीरो ऑर्डर के लिए रेट कभी भी चेंज नहीं होता है बेटा, याद रखना, कभी भी जीरो ऑर्डर के लिए रेट कभी भी चेंज नहीं होगा, इस बात को दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है, अगर पॉजिटिव ऑर्डर रहा तो रेट घटेगा और नेगेटिव ऑर्डर रहा तो रेट बढ़ता है। पॉजिटिव ऑर्डर रहा तो रेट घटेगा, पॉजिटिव रहा तो ये पॉजिटिव में घटेगा। अगर मान लो रेट नेगेटिव है, मतलब ऑर्डर नेगेटिव है, तो 1 बाय कंसंट्रेशन चला जाएगा, ये 1 बाय कंसंट्रेशन। तो ये अगर ये, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट समय के साथ घटना ही है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, तो ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन हो गया फिर। तो याद रखिएगा पॉजिटिव ऑर्डर रहेगा तो घटेगा, नेगेटिव ऑर्डर रहेगा तो बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है टाइम के ऊपर, याद रखना, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, देखो टाइम के साथ हमने दोनों को वेरिएशन का, भाई रेट चेंजेस होता है, घटता बढ़ता होता डिपेंड करता है नेगेटिव या पॉजिटिव ऑर्डर, बट रेट कांस्टेंट सेम रहता है, ये टाइम के साथ हमने इनका डिफरेंस देखा। दूसरा हमने देखा कि मान लो रेट जो होता है टाइम के डिपेंडेंसी, मैंने बता दिया रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। जब जीरो हो गया मतलब रेट डायरेक्टली रेट कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन पावर जीरो मतलब वन, बस इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कभी भी रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी हर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे फर्स्ट में डिपेंड करेगा, सेकंड में, थर्ड में, 3.5, 4.5, एनीथिंग, एनी ऑर्डर कुछ भी हो रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, ठीक है। नाउ जीरो ऑर्डर के ये हुआ, इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंड करता नहीं, रेट ना ही रेट कांस्टेंट ना ही टाइम पे डिपेंड करता है ना ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये कंसंट्रेशन वगैरह से कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। चौथा जो डिफरेंस हो जाएगा इनका यूनिट का, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, वन माइनस एन पर टाइम सेकेंड इनवर्स, वो जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अभी तक आपको पता है एक तो ये क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है, क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, सम ऑफ पावर ऑफ all concentration, sum of power of all concentration terms appearing in rate law expression, appearing in rate law expression, appearing in rate law expression is known as order of reaction, is known as order of reaction, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होंगे उनके पावर को सबको ऐड कर दो, वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में सीखते हैं अभी, चलो ठीक है।
अब अच्छे से सीखते हैं। मान लो कोई आपका हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी टेंड्स टू प्रोडक्ट मुझे दे रहा है, क्या दे रहा है, दे रहा है। तो मैंने क्या किया, एक पहला एक्सपेरिमेंट किया बाय एक्सपेरिमेंट वन। जो एक्सपेरिमेंट वन किया तो मैंने क्या किया, बी और सी को मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया, बी और सी को कॉन्स्टेंट कर दिया। तो मुझे क्या पता चल रहा है, जो मुझे पता चल रहा है रेट जो है वो ए के कंसंट्रेशन के पावर पी पे डिपेंड कर रहा है। बी और सी को कॉन्स्टेंट रख के रेट मैंने क्या किया, रेट को मैंने ए के कंसंट्रेशन को चेंज किया। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ए रेट जो पर्टिकुलर इस जो रेट होगा वो ए के पावर पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ए के पावर पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ऐसा मुझे मिला। तो पी यहाँ पे क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। हो सकता है ये नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शनल हो, फ्रैक्शनल हो, हो सकता है ये जीरो भी हो, ये भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने इन दोनों के, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ये जो डिपेंडेंसी है रेट का कंसंट्रेशन पर वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैनर पर डिपेंड करता है, और ये कॉम्प्लिकेटेड मैनर आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हो, डायरेक्ट देख के आप कभी नहीं बता सकते हो। तो वो क्या होता है, वो दो तरीके से हम जान सकते, या तो क्वेश्चन में ऑर्डर आपको देगा, नहीं तो वो एक ही यूनिट देगा। तो दो ही तरीका है पहचानने का, वो मेथड तो मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, तो आप कैसे निकालते हैं आखिर कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं ऑर्डर निकालने के, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए मैंने आपको ये समझा रहा हूँ कि मैंने मान लो पहला एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे पता चला रेट रेट जो है वो ए के पावर पी के ऊपर, पी कंसंट्रेशन के पावर, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर पी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस ऐसे मेरा रेट का इक्वेशन आया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू किया मैंने, जब एक्सपेरिमेंट टू किया मैंने तो रेट मुझे पता चला, बाकी अब मैंने ए और सी को कॉन्स्टेंट किया तो रेट जो डिपेंड कर रहा है बी के पावर क्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगेन क्यू मेरा क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर विथ, दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये ऑर्डर है किसका, बी का ऑर्डर है सिर्फ। ये जो पी है वो किसका ऑर्डर है, सिर्फ ए का ऑर्डर है, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट थ्री जब मैंने किया तो मुझे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी का पावर आर, तो ये भी क्या है, आर भी मेरा क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब ये हो सकता है ये जीरो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन जीरो कुछ भी हो सकता है, बट मुझे एक मैंने एक सम अप निकाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, तो रेट बराबर मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर पी, बी का पावर क्यू और सी का पावर आर, ठीक है, का पावर आर, आई बात समझ में, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो व्हाट इज द इक्वेशन, एग्जैक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन, ए का पावर पी, बी का पावर क्यू और सी का पावर आर, ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। और अभी मैंने आपको देखा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिफाइन क्या होता है, ऑर्डर अब आपका हो जाएगा कि भैया रेट लॉ, अभी क्या था डेफिनेशन, कि सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, sum of power of all concentration appearing in the rate law expression, तो rate law expression में कौन कौन सा concentration appear कर रहा है, a b और c, और इनका power क्या है, p plus q plus r, तो यही आपका क्या हो जाता है, n के बराबर, n मतलब क्या होगा यहाँ पे, order of the reaction हो गया, n मतलब क्या होगा, order of the reaction। अब ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कुछ भी फ्रैक्शन होगा, इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिफाइन नहीं होता, आई बात समझ में। तो नोट बना के मैं कुछ ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है। पहला, ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। पहली बात, आप कभी भी किसी रिएक्शन को देख के बोल ही नहीं सकते किसका ऑर्डर ये होगा, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल होगा, एक्सपेरिमेंटल है। अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ ऑर्डर तो वेल एंड गुड है, फिर से रिपीट करो, ऑर्डर या तो रिएक्शन में आपको क्वेश्चन में देगा, नहीं तो सेकंड मेथड आपको क्या है कि वो आपको यूनिट ऑफ के देगा, के की यूनिट से भी मैं पहचान सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो ये भी लिख देता हूं मैं, इट शुड बी either given in the problem or should be
calculated by given information, मतलब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा वो कैलकुलेट करने के लिए, और यूनिट ऑफ के शुड बी गिवन, यूनिट ऑफ के शुड बी गिवन। आई पास तीन ही तरीका है, या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, या तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देगा ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए, या तो यूनिट ऑफ के दे देगा, तो वहां से भी आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पहचान सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है फिलहाल के लिए आज। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है चलो। आई थिंक एक बार फिर से इस चीज को रिवाइज करिएगा, रैप अप करते थोड़ा। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है जो हम कभी किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। दूसरी बात, यही जो रेट होता है, क्योंकि मुझे पता है रेट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो जैसे 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 कंसंट्रेशन घटते जाता है, रेट भी घटेगा, बट किस वे में घटेगा। अगर ऑर्डर वन है तो पावर वन के फॉर्म में घटेगा, ऑर्डर टू है तो पावर टू के फॉर्म में घटेगा। आई बात समझ में? तो इट डिपेंड्स, मतलब जो डिपेंडेंसी है रेट का कंसंट्रेशन के ऊपर, वो कौन डिफाइन करता है? वो ऑर्डर डिफाइन करता है। रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट और उसके कंसंट्रेशन का डिपेंडेंसी कौन डिसाइड करता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिसाइड करता है। ठीक है, पावर वन है तो पावर वन के अकॉर्डिंग घटेगा, तो रेट उसी के अकॉर्डिंग घटता है। पावर टू है तो उसके अकॉर्डिंग घटेगा, तो रेट भी उसी के अकॉर्डिंग घटेगा। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था, इसलिए आपको याद है मैंने जब नोट लिखा है तो ऑर्डर के बारे में, तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था? उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि रेट इज डिपेंड, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर, एंड दिस डिपेंडेंसी चेंजेस विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। टू द फैक्ट बात है, ठीक है। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है और ये जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखते हैं जिसको हम ऑर्डर कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, हम डायरेक्ट कभी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। सेकंड थिंग, ये जो मेथड होते हैं कि आखिर ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, इनके कुछ मेथड होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड जो हमारे सिलेबस में है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो अभी नहीं बताना था। अभी सिर्फ हमने क्या डिफाइन किया? ऑर्डर डिफाइन किया, ऑर्डर का क्या मीनिंग होता है, कैसे डिपेंड करता है, ये सब चीजें हमने सीखी। ठीक है, रेट कांस्टेंट से भी हम कैसे ऑर्डर निकाल सकते हैं, ये सब चीजें आज हमने बेसिक चीजें कवर की। कल से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, दो दिन आपको, मुझे पता है आज और कल के लेक्चर बिल्कुल बेसिक्स पे थे, बट बिलीव मी अगर ये बेसिक्स आपके क्लियर है तो ही आप आगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना सकते हो। सो अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज 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 व्हाट्सएप मी यस और नो, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग है आज का, तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा बोरिंग तो नहीं बोल सकता, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो डिपेंड्स करता है आपकी नजरिए पे, आप कैसे देखना चाहते हो। बिलीव मी, एक बार अच्छे से और रिवाइज करिए, यू विल गेट। बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब होता है रेट आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन का पावर एन, और ये एन हमेशा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। सो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।